कभी भारत के सबसे करीब रहने वाला नेपाल लगता है अब पूरी तरह से दूर हो गया है। लिपुलेख सड़क के उद्घाटन के बाद नेपाल ने एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठाए हैं। नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी देने के साथ ही कई ऐसे मामले हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि नेपाल अब भारत के हाथों से पूरी तरह फिसल गया है। लिपुलेख सड़क के उद्घाटन के बाद नेपाल ने सीता पुल के पास छांगरू में बीओपी खोल दी है। यही नहीं, उत्तराखंड में ब्रह्मदेव से तिंकर तक 285 किलोमीटर की सड़क बना रहा है। जगह जगह तैयार किए जा रहे हैं हेलीपैड। इस सड़क को बनाने का काम पहले नेपाल के लोक निर्माण विभाग के पास था, लेकिन अब ये जिम्मा नेपाली आर्मी ने अपने हाथों में ले लिया है। यही वजह है कि इन इलाकों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए जगह जगह हेलीपैड भी तैयार किए जा रहे हैं। इन हेलीपैड को सड़क निर्माण के साथ ही सुरक्षा बलों को बीओपी तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के बॉर्डर इलाकों पर भी नेपाल की पूरी निगाह। बीते दिनों नेपाल ने मालपा के ठीक सामने घाटी बगड़ में एक हेलीपैड तैयार किया है। इस हेलीपैड में आए दिन नेपाली हेलीकॉप्टर सड़क निर्माण के लिए जरूरी सामान लाते हैं, साथ ही सुरक्षा बलों को भी हेलीकॉप्टर की मदद से ही बॉर्डर तक पहुंचाया जाता है। यही नहीं, हेलीकॉप्टर की मदद से भारत के बॉर्डर इलाकों में भी नेपाल पूरी निगाह बनाए हुए है। छांगरू में बीओपी बनाने के बाद बीते दिनों नेपाल ने पहली बार तिंकर में भी सशस्त्र प्रहरी बल तैनात किए हैं। तिंकर नेपाल का अंतिम गांव तो है ही, साथ ही ये इलाका चीन, नेपाल और भारत का ट्राई जंक्शन भी है। इस लिहाज से ये सुरक्षा के लिए खासा अहम है। पूरी तरह अलर्ट मोड में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां। हेलीकॉप्टर की मदद से नेपाली सुरक्षा बल गुंजी के ठीक सामने कोआ काला पानी तक पहुंचे हैं। नेपाल की बॉर्डर में सक्रियता को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे सीमा सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं, जो नेपाल की सभी हरकतों पर निगाह बनाए हुए हैं। इस इलाके में भारत को लेकर तो नेपाल मई से ही एक्टिव मोड पर था, लेकिन तिंकर ऐसा इलाका है जहां पहली बार नेपाली सुरक्षा एजेंसियां पहुंची हैं। इस लिहाज से नेपाल ने पहली बार चीन सीमा पर भी अपनी सुरक्षा बल तैनात किए हैं। नेपाल के बॉर्डर इलाके के एक सांसद ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि राजशाही के दौर में नेपाल सीमाओं को लेकर बेपरवाह बना रहा, लेकिन गणतंत्र होने पर नेपाली सरकार सीमाओं की सुरक्षा और अपनी जमीन को लेकर पूरी तरह गंभीर है। यही वजह है कि भारत से लगे हर इलाके पर सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं, साथ ही खुले बॉर्डर को रोड से भी जोड़ा जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों के साथ सुरक्षा एजेंसियों को भी आसानी हो। नेपाल झूलाघाट से तिंकर तक 6 बीओपी बना चुका है। भारत के साथ उठे सीमा विवाद के बाद नेपाल झूलाघाट से तिंकर तक 6 बीओपी बना चुका है। यही नहीं, सड़क और हेलीपैड बनाने के साथ ही पैदल रास्तों को भी ठीक किया जा रहा है। खासकर धारचूला से छांगरू तक के पैदल रास्ते पर नेपाल का खास जोर दिखाई दे रहा है। छांगरू तक सुरक्षा बलों को भले ही नेपाल हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचा रहा है, लेकिन नेपाल के धारचूला के लोगों को छांगरू जाने के लिए भारत के रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। भारत पर पूरी तरह निर्भरता खत्म करना चाह रहा नेपाल। भारत नेपाल मामलों के जानकार प्रेम पुनेठा मानते हैं कि नेपाल पूरी तरह भारत पर निर्भरता खत्म करना चाह रहा है, इसीलिए बॉर्डर पर वो भी हर तरीके की सुविधाओं को जुटाने में लगा है। साथ ही पुनेठा बताते हैं कि चीन से नेपाल की बढ़ती करीबी उसे स्वाभाविक तौर पर भारत से दूर कर देगी। बीते दिनों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ वार्ता भी की थी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि नेपाल अब चीन के दिखाए रास्ते पर ही आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।